नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पिछले लगभग 2 महीनों से जारी गतिरोध को कम करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया। सोमवार 6 जुलाई को दोनों देशों की सेनाएं हिंसक झड़प वाली गलवान घाटी से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई। चीन को झुकाने में भारत को मिली सफलता पर देश में खुशी जाहिर की गई। कुश्ती पहलवान और हरियाणा BJP की नेता बबीता फोगाट ने भी इस पर खुशी जाहिर की, लेकिन अपने ट्वीट पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। सोमवार को चीन के पीछे हटने की खबर के बाद बबीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में बबीता ने लिखा कि झुकते भी हैं, झुकाने वाला चाहिए, पीछे भी हटते हैं, हटाने वाला चाहिए, चट्टान जैसा मजबूत नेता नरेंद्र मोदी चाहिए। हालांकि ट्विटर पर कई सारे यूजर्स को उनका यह ट्वीट रास नहीं आया। उन्होंने बबीता को PM मोदी के सर्वदलीय बैठक में दिए गए बयान की याद दिलाई। PM मोदी ने गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद 19 जून को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारतीय जमीन पर ना कोई आया था और ना ही वहां किसी का कब्जा है। PM मोदी के बयान पर विपक्षी दलों ने उन पर जमकर निशाना साधा था और उसके बाद से लगातार सवाल उठते रहे कि अगर चीनी सेना भारतीय जमीन पर नहीं आई तो फिर संघर्ष किस जमीन पर हुआ था। PM के इसी बयान के आधार पर ट्वीट यूजर्स ने बबीता से भी सवाल पूछा कि जब कोई भारतीय सीमा में आया ही नहीं था तो पीछे हटने के मायने क्या हैं? आपको बता दें कि मई के महीने में शुरू हुए तनाव के बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं कई इलाकों में आमने सामने आई थी, लेकिन 15 जून की रात इसका सबसे हिंसक रूप दिखाई दिया था जब दोनों देशों की सेनाएं टकराई थी। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे जबकि चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच मिलिट्री कमांडर स्तर और राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई और सेनाएं पीछे हटने को राजी हुई। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।